हे गाइस, माय नेम इज विरेंद्र सिंह। वेलकम टू द eLearnam। स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर YouTube चैनल में। सो इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट आफ्टर नेक्स्ट दिस पर्टिकुलर CSIR नवंबर एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोगों की फितरत है। तो कई लोग जो हैं पहले एडमिट कार्ड के लिए परेशान थे, फिर डेट्स के लिए, फिर ये सारी चीज़ों के लिए परेशान थे। अब वो परेशान होंगे एनालिसिस के लिए, कट ऑफ के लिए, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, तो एक छोटा सा चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे कभी कभी क्या होता है, बचपन में जब हम कभी कभी हमारा स्कोर कार्ड या हमारा ग्रेड कार्ड जो होता था, रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं आता था, तो हम बड़े भाई या मम्मी को दे देते थे कि जाओ तुम पापा के पास लेके जाओ। उनको ऐसा लगता था कि रिपोर्ट कार्ड अगर मैं गलत किया है, मम्मी या पापा से भिजवाएंगे तो मार कम पड़ेगी। एंड एग्जैक्टली अभी भी वो आदत हमारी गई नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम पेपर तो करके आए हैं, लेकिन अभी भी 10 जगह पे एनालिसिस देखेंगे, 10 जगह पे कट ऑफ देखेंगे, सबका अपना अपना ओपिनियन देखेंगे और सोचेंगे कि हमने जो करके आए हैं वो बदल जाएगा। क्योंकि ये सिंपथी वाली काम जो है, एग्ज़ाम के पहले भी आप करते थे और एग्ज़ाम के बाद भी आप कर रहे हैं, तो कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर लिटरली आपको करियर की इतनी परवाह होती, या जो लोग भी ऐसे परेशान हो रहे हैं या डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर करियर की इतनी परवाह होती तो आप पहले ही मेहनत करते, ताकि आपको ये भागना दौड़ना ना पड़ता। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल्स आफ्टर एग्जामिनेशन। अब कोई भी एग्जाम होता है, तीन तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो एन्जॉयमेंट सीकर्स होते हैं। एन्जॉयमेंट सीकर इज समथिंग लाइक कि जिनको पता है, जिन्होंने पहले मेहनत करी और सही से एग्ज़ाम दिया, और वो सोच रहे कि यार मेरा लगभग हो जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और वो एन्जॉयमेंट को तलाश रहे होते हैं कि चलो यार मस्ती करेंगे, हो जाएगा। तो दूसरे वो होते हैं जो होते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम सीकर्स या सिंपथी सीकर्स। इनको क्या होता है कि इनको कुछ भी कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपथी से सीख करेंगे, सिंपथी को देखेंगे, कौन हमको सिंपथी दे यार ठीक है। वो कभी ना कभी गेप जो होता है, कोई भी गलती हुई होती है, उस गलती का जो चिट्ठा किच्चा होता है वो किस पे मढ़ेंगे, पेपर पे, टीचर पे, सेंटर पे, या कहीं और पे मढ़ेंगे। कभी भी ये चीज़ नहीं फोकस करते कि अगर आपने उस तरीके की मेहनत की होती तो क्या वो पेपर नहीं निकल गया होता। कभी आपने ये रियलाइज़ नहीं है, कभी भी किसी भी लर्नर या किसी भी लर्नर से मैं ये नहीं सुनता जिसका पेपर ख़राब होता है कि यार मैंने उस तरीके की प्रिपरेशन नहीं करी थी। सबका ये होता है पेपर टफ आया है, व्हाट इज़ द पेपर, पेपर टफ था, पेपर टफ था। लिटरली उसी पेपर को कई लोग ईजी भी बोल रहे हैं, उसी पेपर को कई लोग मॉडरेट भी बोल रहे हैं, और आपके लिए वो टफ है। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ पेपर के लेवल में नहीं है, गड़बड़ आपके प्रिपरेशन में है। ठीक है, सो ये सिर्फ प्रॉब्लम को सीख करेंगे, सिंपथी को, यार ठीक है हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, प्रॉब्लम्स को कहीं और ढूंढ लेंगे, वजह ढूंढते रहेंगे कि हाँ इस वजह से मेरा नहीं हुआ, उस वजह से मेरा नहीं हुआ, ऐसे चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सोल्यूशन पे बात नहीं करनी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिंपथी गेन करनी है, कोई चार एजुकेटेड चार चीज़ें जो चार लोग जाके बोल देंगे ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो आराम से शांति से उस चीज़ को लगेगा हाँ यार ठीक है, कुछ गलत हुआ, पेपर ही ख़राब था इस बार का, ऐसा आप लोग सोचते रहेंगे। दैट तीसरा जो है वो होते हैं सोल्यूशन सीकर्स। ये भी फेल होते हैं, इनका भी पेपर ख़राब होता है। ऐसा नहीं कि जो पहले एन्जॉयमेंट सीकर्स होते हैं वो वही होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं पेपर के बाद, अदरवाइज। और वो जो परसेंटेज होता है ऑलमोस्ट 10-20% होता है, उसके बाद बाकी के 80% में ऑलमोस्ट 60% जो होते हैं वो प्रॉब्लम सीकर्स होते हैं या सिंपथी सीकर्स होते हैं, एंड रेस्ट 20% आर सोल्यूशन सीकर्स। ये भी फेल जरूर होते हैं, इनका भी पेपर ख़राब होता है, ये भी चीज़ें होता है कि यार लगता है इस बार नहीं हो पाएगा, लगता है इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन ये इस चीज़ पे नहीं फोकस करते कि यार पेपर का एनालिसिस क्या था, पेपर का लेवल क्या था, पेपर की चीज़ें क्या थी, पेपर पे वो फोकस नहीं करते, खुद पे फोकस करते हैं। खुद पे जब फोकस करते हैं कि नहीं हाँ मेरे अंदर क्या कमी थी, मैं पेपर के लिए काबिल नहीं बना। मैं बार बार कहता हूँ कामयाबी के पीछे अगर भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ये एक बहुत फेमस डायलॉग है, आप लोग जानते होंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सोल्यूशन सीकर्स होते हैं वो भी फेल होते हैं, वो भी परेशान होते हैं कि नहीं यार मेरा हुआ, लेकिन वो अब उसके सोल्यूशन पे बात करते हैं कि जो गलतियां मैंने की मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, मैं दोबारा उठूंगा, दोबारा इस एग्ज़ाम को दूंगा और क्रैक करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी गलती इस एग्ज़ाम में क्या हुई। चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले हो या सेकेंड अटेम्प्ट करने वाले हो, जो भी सेकेंड अटेम्प्ट करने वाले होते हैं वो दोबारा इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि पहली बार में उन्होंने जो गलती करी थी वो कभी उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। वो सिर्फ इसी चीज़ों पे लगे रहते कि पेपर का लेवल क्या है, कट ऑफ कितना जाएगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ा, इस कोचिंग ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वो सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे होते। लेकिन वहीं पे सेकेंड रिपीटर में या सेकेंड टाइम में क्लियर करने वाले लोग अक्सर अपने कमियों के ऊपर फोकस करते,
और इस बार जितने लोगों को ये पेपर टफ लग रहा है, पेपर टफ या इजी की मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ, मुझे कुछ इस एनालिसिस पे कुछ नहीं होने वाला। अब एक ही चीज़ होती है, अगर आप उसी तरीके का मैच होता है ना, सिंपल सी बात होती है कि आप क्या करते हो ना कि सचिन तेंदुलकर जब अपना ही बैटिंग खेलने के आके बाद आपसे पूछे कि यार उसकी बैटिंग कैसी रही, अगर वो सेंचुरी मारता है और आपसे आके पूछे तो आप बोलोगे अच्छा रहा, कोई बोलेगा यार नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा स्लो खेला ऐसे खेला, उसको तो खुद पता है ना कि वो क्या करके आया था क्रीज में, सेंचुरी मारा है कि नहीं मारा है, फील तो उसे पता होगा कि मैं जीरो पे आउट होकर आया हूँ कि मैं सेंचुरी मार के आया हूँ। एग्जैक्टली वॉट अबाउट यू, यू नो दैट योर रियलिटी, बट यू आर गेनिंग या यू आर सीकिंग फॉर द सिंपथीज, कि आप सिंपथी को वो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन इससे सोल्यूशन तो नहीं निकलने वाला, इससे आगे भी एग्जाम दोगे तो नहीं निकलने वाला। सीधे शब्दों में ये जो है बेटर टू, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसे कभी भी एग्जाम नहीं निकलता, जब आप दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे होते हो, किसी और को बता रहे होते हो कि यार इसी वजह से मेरा नहीं हुआ, ये इस तबीयत खराब हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी, ये हो गया था, फलाना ढिकाना, इन प्रॉब्लम्स का आपके पास लिस्ट होता है, और जब मैं आपसे पूछूं कि उसका सोल्यूशन क्या था, आपने एक बार भी सोचा कि क्या मुझे, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास जवाब गुल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं, आपके प्रॉब्लम से बड़े नहीं हैं। जिस दिन आपका सपना या आपके ड्रीम आपके प्रॉब्लम से बड़े हो जाएंगे, उस दिन आप इन प्रॉब्लम्स को छोड़ के एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठे रहेंगे तो आप अपने काम करेंगे। विराट कोहली मैच खेल रहा था, उसके पापा की डेथ हो गई थी, लेकिन वो मैच में अपनी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी कुछ पूरा करके तब गया था वो दिल्ली अपने पापा की डेथ के बाद। सो इट वॉज लाइक कि प्रॉब्लम या सर्कमस्टेंसेज नहीं, ऐसा नहीं कि किसी के साथ नहीं आती, उनको डील करना आप लोगों के बस की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप लोग सिंपथी सीख कर रहे होते हैं। अगर जिस दिन आपने सिंपथी सीख करने के अलावा आपने अपने ऊपर वर्क किया, मेरी ये कमी थी, मैं नेक्स्ट एग्जाम में फोड़ के दिखाऊंगा, द सॉल्यूशन सीकर्स उनकी जो कमियां थी वो अभी लिस्ट आउट करेंगे, जो प्रॉब्लम सीकर्स होंगे इस वक्त अभी वो 15 दिनों तक सिर्फ दौड़ेंगे, भागेंगे, धूपेंगे, ग्रुप्स में पूछेंगे, फेसबुक पे पूछेंगे, एजुकेटर से पूछेंगे, और इतना दौड़ेंगे कि अपने मेंटल स्ट्रेस को इतना बढ़ा देंगे कि उसके बाद वो महीना भर लगेगा ओवरकम करने में उस स्ट्रेस को। लेकिन सॉल्यूशन सीकर्स भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, अभी एक हफ्ते बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया और आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज कट ऑफ जितना पिछली बार गया था उसी के आसपास जाएगा, पेपर का लेवल उसी तरीके से है। और उसके अलावा जो है, अगर जो लोग क्रॉस कर रहे हैं, जो बाउंड्री लाइन पे है, वो लोग थोड़ा रुके रहेंगे, लेकिन जो लोग पीछे आ रहे हैं बिलो 100 एंड जनरल कैटेगरी में, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, वो सीधे सीधे जिस भी पर्टिकुलर एजुकेटर को पसंद कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से पसंद कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया सेल्फ स्टडी करो, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोचिंग्स, हर कोचिंग जो होता है पैसा लेती है, ऐसे करता है, ज़रूरी नहीं होता। गुरुओं का जो वो क्रेडिट या गुरुओं की जो चीज़ें हैं वो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी किया था, और बहुत सारे भीष्म पितामह जो थे, परशुराम में पता नहीं, जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो हर पहले गुरुओं की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, अभी नहीं है, अभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बट डजंट मीन कि सारी चीज़ें वैसी होती है, और नीड होती है। इसीलिए वो कई बार क्या होता है कि हमें ज़रूर पता होता है कि हमें करना क्या होता है, हमें चीज़ें कैसे करनी है, लेकिन एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। हमें पता है मेहनत करना है, लेकिन मेहनत किस रास्ते में करें, किस तरफ जाएं कि हमें वो चीज़ें मिली, उस डायरेक्शन में साथ साथ चलना। जैसे अर्जुन के सारथी बने थे कृष्ण, और उनको महाभारत जिताया भी था, और कभी कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया था लेकिन साथ जरूर दिया था। वैसे एक एजुकेटर जो होता है या एक टीचर जो होता है आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है, वो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठता तो नहीं, लेकिन आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। और ये जो है वीडियो, ये सारी चीज़ें मैं उन पर नहीं बताने वाला हूँ कि हाँ जो लोग सीकर्स हैं या सिंपथी सीकर्स हैं, भाई साहब आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सॉल्यूशन सीकर्स हैं। तो सॉल्यूशन सीकर्स वालों के लिए मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं बता रहा हूं कि दिसंबर का एग्जाम नहीं होगा, एक ये जो है आप लोग पॉइंट आउट रख लीजिएगा कि मोस्ट प्रोबेबली अगर लॉजिकली आप देखेंगे तो दिसंबर का एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि दिसंबर का एग्जाम जो है एक महीने में तो फॉर्म नहीं आएगा फिलअप करके, एडमिट कार्ड ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दिसंबर का एग्जाम नहीं होगा और फाइनली जून में एग्जाम होने वाला है CSIR का। 95% प्रोबेबिलिटी ये है, मैं 100% तो नहीं कह रहा, 95% प्रोबेबिलिटी जो है कि इस दिसंबर का एग्जाम नहीं होने वाला। तो जितने भी सॉल्यूशन सीकर्स हैं, जितने भी आगे लगना चाहते हैं, अभी से थोड़ा रेस्ट करिए एक आख हफ्ते, उसके बाद लग जाइए वापस एग्जामिनेशन के लिए। जितने भी सॉल्यूशन सीकर्स हैं वो ICMR गेट के लिए लग चुके होंगे, अपना स्ट्रैटेजी बना चुके होंगे, जो गया तो गया, जो बीत गई सो बीत गई, उस बात को लेकर डरना क्या, जब मानुष जीवन पाया है फिर पाना क्या आया, पाना क्या और खोना क्या। तो एग्जैक्टली यही चीज़ जो है आपको करनी है।
करना क्या है, अपने नेक्स्ट टारगेट को फिक्स करिए और फिर लग जाइए, अपनी गलतियों को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ जाइए। और इसी सिलसिले में कि आपको आगे क्या करना है, कैसे जून के लिए टारगेट करना है नेक्स्ट 2021 के लिए, इसी के लिए एक स्पेशल क्लास भी है मेरी अनअकैडमी पे कल रात 9 बजे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा उस स्पेशल क्लास में। फ्री क्लास है, देयर इज़ नो लाइक चार्जेस इज देयर। आप जुड़ेंगे तो कुछ सारी बातें होंगी, स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करूंगा और कई सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड करूंगा मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके अलावा जो है कि आप लोग आगे अगर ICMR की तैयारी कर रहे हैं तो eLearnam पे ही फ्री ICMR का क्रैश कोर्स चल रहा है। विजिट करिए वेबसाइट eLearnam.com, वहाँ पे आपको ICMR क्रैश कोर्स के बारे में पता चल जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर आप गेट को टारगेट कर रहे हैं तो गेट का एक्सेल बायोटेक्नोलॉजी कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज या सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग एंड कम्बाइंड वे में आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे eLearnam.com पे। eLearnam के वेबसाइट पे अगेन विजिट करिए और उसके साथ सारे कोर्सेज को देख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगता है परचेस कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ईमेल आईडी और मैं इसी नंबर इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको दिया हुआ है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहे तो मेरी मेल आईडी भी आपको मिल जाएगी और नंबर भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। सो सॉल्यूशन सीकर्स मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को अभी रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है, क्योंकि जो हार गया सो हार गया, वो घर से बाहर चला जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जीत के लिए बढ़ना है। दैट लाइक कि जो हारना ही एक लर्निंग प्रोसेस होता है, कहते हैं ना कि जो जीत होता है वो हार का एक पार्ट होता है। काबिल बनने पे फोकस करिए, नॉलेज गेन करिए, कॉन्सेप्ट बनने पे फोकस करिए। जब आप एक बार नॉलेज गेन करेंगे, काबिल बनेंगे, तो आपका सारा एग्जाम क्लियर होगा। इधर उधर भटकने की बजाय इधर उधर चीज़ों पे एनालिसिस से आपका पास चेंज नहीं होगा, कट ऑफ से आपका पास चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज़ से आपने जो एग्ज़ाम हॉल में कर दिया है वो तो चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप कुछ भी मंत्र फूंक लो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जो आपने आंसर पुट कर दिया वो पुट कर दिया, वो थोड़े दिनों में आपको पता चल जाने वाला है कि क्या किया आपने, ठीक है। और आपको भी ये पहले से ही पता होगा, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कितना आ रहा था, कितना नहीं आ रहा था, क्या क्या गलतियां हुई, किस चीज को एलिमिनेट करना है। सो फोकस ऑन दोज पॉइंट। और अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखे रहेगा दिसंबर के ऊपर, अब मत टिके रहिए, अब सीधे जून की तैयारी करिए, प्रॉपर प्लान करिए। और नया कोर्स जो है अनअकैडमी पे CSIR के लिए दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है मेरा। अगर CSIR क्रैक करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़िए मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे, यूज करिए रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। एंड अगर गेट का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो जुड़िए eLearnam पे एंड यूज करिए कोड SLA10 टू गेट द 10% डिस्काउंट। बाय बाय एंड